हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी रिसेंटली ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलिवेंस है, उसे समझेंगे दोनों देशों के कंटेक्स्ट में। अदर देन दिस, किन किन एरियाज में इंडिया और कैनेडा जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली क्या है, मिनिस्टर लेवल टॉक्स हुई हैं इंडिया एंड कैनेडा के बीच। फिफ्थ आपका मिनिस्टर डायलॉग टेक प्लेस, जिसमें स्पेसिफिकली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में बातचीत की गई है। ऑलराइट, कि भाई कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को दोनों ही देशों के बीच में बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें फाइनली ये डिसाइड किया मिनिस्टर लेवल टॉक में कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको रिलॉन्च किया जाएगा। पहले भी इंट्रोड्यूस किया था बट इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया, तो अब इसे फिर से रिलॉन्च करने की बात दोनों ही देशों ने मानी है। ठीक है, तो एक बहुत ही फाइन स्टेप वी कैन से दैट, इसकी वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमी को, दोनों ही देशों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलना है। इससे पहले मार्च मंथ में ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये भी। सो अभी रिसेंटली बात करेंगे, यू कैन सी थ्रू दिस मैप वेयर एग्जैक्टली द कैनेडा इज। ठीक है, ये आपका कैनेडा है जस्ट अबव द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अब जरा पॉइंट्स पे बात करते हैं कि इनमें प्राइमरली किन किन एरिया पे डिस्कस किया गया है। तो इसके तहत ये बातचीत की गई है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज संबंधित जो है आपके डिसीजन वो लिए गए हैं, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, टेक्निकल जो बैरियर्स होते हैं ट्रेड के, उन पर बातचीत की, उनकी बारीकियों पर बातचीत की, और डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाएगा, इन मुद्दों पर बात की गई है। ठीक है, अगर मैं कॉपरेशन पे बात करूं, भाई किन किन एरिया में कॉपरेशन की बात की है, सो फार्मास्यूटिकल है, टूरिज्म, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, या रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, बहुत रेयरली फाइंड आउट होते हैं, उनका भी एक्सचेंज किया जाएगा, उन पर भी ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट जो है दोनों ही देशों के लिए साबित होगा। इससे संबंधित जो है कनाडा ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड होते हैं, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका एग्जामिनेशन प्रॉपर होगा, अथॉरिटीज प्रॉपर जो है उनका एग्जामिनेशन कराएंगी, और फिर जो है ताकि, और भारत के साथ जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ना सिर्फ इन सभी एरिया में बल्कि एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में भी कमिटमेंट्स दिए हैं कनाडा ने इंडिया को, तो जो कि भारत कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो नाउ इसके अलावा इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट पर बात की है, और इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर क्या चर्चा की गई है, जरा उन पर बात कर लें। पहला है लिबरलाइज टैरिफ्स ऑन ट्रेड एंड सर्टेन गुड्स, सभी गुड्स पे नहीं लेकिन कुछ जो आपके ट्रेड गुड्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको लिबरलाइज किया जाएगा टैरिफ्स को। ठीक है, ताकि दोनों देशों के बीच आसानी से ट्रेड किया जा सके, नहीं तो अभी क्या होता है कि ट्रेड करने में कुछ जो इंपॉर्टेंट गुड्स हैं उसमें मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसके तहत साइन किया है, कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ गुड्स जो हैं वो FTA के तहत आएंगी। ठीक है, जिसमें बहुत ही लो टैरिफ के माध्यम से आसानी से ट्रेड किया जा सकेगा, या हो सकता है आने वाले समय में फ्री ट्रेड भी कंप्लीटली किया जा सके। अदर देन दिस, इंटरिम एग्रीमेंट मे टेक्निकल सो दैट अ डील मे बी अचीव द मिनिमम कमिटमेंट। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट है। इसके अलावा जो क्रॉप हैं या आपकी फ्रूट हैं, ठीक है, या मतलब बहुत से ऐसे एरियाज हैं एग्रीकल्चर के जिन पर सहायता करने की प्रोमिसेस दिए हैं आपके कैनेडा ने, एग्रीकल्चर जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उसको बूस्ट करने में भी कमिटमेंट्स दिए हैं, तो एक महत्वपूर्ण एरिया है ये भी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं स्टूडेंट जो इस डील के तहत, इस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के तहत साइन किए गए। नाउ इंडिया का अगर हम करंट ट्रेड रिलेशन विद कनाडा बताएं और क्या सिग्निफिकेंस है दोनों देशों के लिए इस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट की, देखिए अभी तक क्या है, आप देखेंगे वी हैव गुड रिलेशन विद यूनाइटेड नेशंस, लेकिन अदर देन दिस अगर हम यूनाइटेड नेशन के अलावा बात करें तो हमारे कनाडा के साथ भी संबंध अच्छे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उतने ज्यादा बेटर रिलेशंस अभी तक नहीं है इकोनॉमिकली जितने हो सकते थे, बिकॉज एक डायस्पोरा इंडिया का बहुत ज्यादा है कनाडा में। ठीक है, यूएसए में भी है, कनाडा में भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली पंजाबी पीपल रिजाइड अलॉट, वहां की सरकार में भी इन्वॉल्वमेंट है,
तो अभी तक जो है इस प्रकार की जो एग्रीमेंट्स हैं वो इफेक्टिवली काम किए, मतलब ग्रास रूट लेवल पे ये दिखने चाहिए थे। तो काफी लेट है, लेकिन वी कैन से दैट कि स्टिल अगर इस प्रकार के दोनों तरफ से इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं तो दोनों ही देशों की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। अदर देन दिस, हमारा जो वेस्टर्न नेशंस के साथ टाई अप है, इकोनॉमी टाई अप है, उसको भी और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ऑलराइट, और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी इससे बढ़ेगा। तो कह सकते हैं भाई इस प्रकार के एग्रीमेंट्स जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, स्पेशली आपके पोस्ट कोविड पीरियड में। अभी कोविड की वजह से हर देश की इकोनॉमी शटर्ड हुई है, तो लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है टू रिवाइव हिज इकोनॉमी थ्रू दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप्स। जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने इनिशिएटिव में अपनी सहभागिता, अपना इंटरेस्ट दिखाया है। एशियन नेशंस के साथ वी आर शोइंग अवर इंटरेस्ट कि भाई ट्रेड को हम कैसे और ज्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ टॉक अबाउट कि इंडिया का अभी करंट ट्रेड जो रिलेशन है आपका कनाडा के साथ वो कैसा है। तो इंडिया का अगर हम करंट इंपोर्ट की बात करें 2020-21 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो 2.68 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड है अगेंस्ट द 3.9 बिलियन जो कि 2000 आपके 19-20 में था। मतलब इससे आप देख सकते हैं थोड़ी गिरावट जरूर आई है, ऑफ कोर्स द रीजन इज कोविड, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई अगर इस प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं तो आने वाले समय में और ज्यादा ट्रेड जो है बूस्ट मिलेगा। इंडिया एक्सपोर्ट की बात करें कनाडा को, तो 2.9 बिलियन रहा आपके 2020-21 में। ठीक है, इंडिया की अगर कनाडा की पार्टनरशिप की बात करें, इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, तो 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। ठीक है, इंडिया इज कनाडाज 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, जबकि 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ओवरऑल। तो दोनों ही फैक्ट्री महत्वपूर्ण है और इंडिया चाहेगा, बिकॉज कैनेडा इज इन बिग इन साइज और हमारा डायस्पोरा वहां रिजाइड कर रहा है बहुत ज्यादा, तो भारत चाहेगा ये स्थान जो है टॉप 5 में कैनेडा जरूर आए। तो ये प्रायोरिटी है हमारी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट एरियाज में हम ट्रेड कर पाए, स्पेशली एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें खासी रुचि कैनेडा ने दिखाई है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में कैनेडा की सहायता हमारे लिए लाभदायक साबित होगी। नाउ इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये इसमें प्रोमिसेस किए हैं लगातार कनाडा से पिछले एक दशक में कि भाई जो आपकी फूड एंड सिक्योरिटी का एरिया है उसमें श्योर कनाडा ने किया दैट वी आर गोइंग टू हेल्प यू, इंडिया को हम मदद इसमें करेंगे, फर्टिलाइजर जो है अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे फूड प्रोडक्ट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अदर देन दिस हेल्पिंग इंडिया मीट इट्स सब्सटेंशियल अर्बन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन का और अर्बन का, ठीक है, कुछ सिटीज को छोड़ दें तो अर्बन एरिया भी बहुत ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो हियर कनाडा कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस कि भाई हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्ड करेंगे, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सहायता करेंगे। और काफी हद तक पिछले कुछ सालों में हम देखें तो फंड्स जो है कनाडा की तरफ से रिलीज भी हुए हैं स्पेशली पर्टेनिंग टू दिस एरिया। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं उनको देखते हुए कनाडा एग्री किया है। एक समय था कनाडा डिसएग्री किया था, ठीक है, कनाडा डिसाइडेड नॉट टू, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जब हमने पोखरण में 1998 में, ठीक है, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद सीटीबीटी में हमने साइन नहीं किए थे, आई थिंक 96 में हमने साइन नहीं किए थे। उसके बाद बहुत से इकोनॉमिक सेंक्शन जो है हम पर लगाए गए थे और बहुत से जो वेस्टर्न नेशंस हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, यूएसए, इन सभी देशों ने ये डिसाइड किया था दैट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इंडिया एट ऑल। बट 2005 में क्या हुआ कि एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से और वेस्टर्न नेशंस भी इंडिया को सपोर्ट करने लगे, बिकॉज इंडिया का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बहुत बहुत बढ़िया रहा है न्यूक्लियर एनर्जी का। वी नेवर थ्रेटन विद टारगेट कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन का फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सभी आधारों को देखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड करेगा कनाडा भी, ये कनाडा ने कहा है, साथ ही साथ कन्वेंशनल जो आपकी एनर्जी है उस पर भी सहायता करेगा। तो कह सकते हैं भाई डिफरेंट एरियाज में कनाडा कॉपरेट कर रहा है इंडिया को, ठीक है, एंड इट्स रियली गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी अ लॉट।
कनाडा इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ इंडिया इन फ्यूचर, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के माध्यम से या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों ही देशों की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट मिलना है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो है स्टूडेंट बड़े महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, ऑफकोर्स फॉर कैनेडा, बिकॉज कैनेडा को देखिए 11th लार्जेस्ट मार्केट है अभी इंडिया। तो कैनेडा चाहेगा, जैसे इसराइल एक छोटा सा देश है लेकिन भारत उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन गया है, तो व्हाई नॉट कैनेडा। कैनेडा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कैनेडा इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ ह्यूज मार्केट, जो उन्हें भारत में पोटेंशियल मार्केट दिखता है। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ इंडिया के भाई, हमारे लिए बहुत सी चीजें पॉजिटिव हैं कि भाई एक इंडिया इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा वहां पर रिजाइड कर रहा है, इवन वहां की सरकार में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, तो पॉलिसीज को इफेक्ट करने में वहां की करेगा। ठीक है, बहुत से ऐसे फ्यूचर में एग्रीमेंट्स होंगे विच कुड डेफिनेटली इफेक्ट इंडिया। ठीक है, तो ऑफकोर्स इस प्रकार के एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।